हिंद जय हिंद जय हिंद भाइयों। मैं फिजिकल ट्रेनर से और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। आज आपको दोस्तों बताता हूं कि हम अपने ग्राउंड पे ट्रेनिंग कैसे कराते हैं और एक इनसे मिलवाता हूं। ये कहां से है? सबसे पहले इनसे मिलवाता हूं। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कहां से है? सिवान। आपका? रंजीत कुमार। आप क्या करते हैं? बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी के सर। आर्मी। आपका आर्मी क्लियर हो गया? जी। ठीक है, तो इनका भाई जो आर्मी जो फिजिकल हुआ था क्लियर हो गया है, मेडिकल क्लियर हो गया, ये भी रिटेन का शिकार है। ठीक है, जो रिटेन अभी क्या है पोस्टपोन्ड होते जा रही है। ठीक है, तो आप रेस जो है कितने का रेस था आपका? 1600 मीटर का? 435। 435 का रेस कहाँ बनाया था, किस एकेडमी में? आप सर आपके वीडियो देख कर बस। अच्छा, मैं वीडियो देख के देख लो कमीने, वीडियो देख के 4.5 का रेस था, 435 का। तुम लोग के साथ है, तुम लोग की जान फटती है। आपके डाइट से खाली बताया, जो डाइट बताए थे वही खाता। तो भाई देखो, बात ऐसी है ना कि जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ वही मैं YouTube पे भी देता हूँ, प्रूफ सामने है। ठीक है, ये अपने भाई का एडमिशन करवाने यहाँ पे, कौन इसका भाई, हाथ उठाना, दूर का जा। ये लोग कल रात को आए थे, ट्रेनिंग कैसी चली बेटा? अच्छी चल रही है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, अभी दिक्कत क्या है कि मैंने इनको पहले बता दिया था कि हमारा जो 2 दिन से कुक है वो छुट्टी पे है। ठीक है, एडमिशन से पहले बता दिया था ना जी। अभी क्या है कि मैं इनसे एडमिशन ले लेता, पैसे ले लेता और इनसे क्या बोलता है कि नहीं भाई खाना सही नहीं है क्योंकि कुक नहीं है, तो इनको खराब लगता है। इनसे मैंने पहले ही कर दिया कि बेटा खाना 2-3 दिन बाद एडमिशन लेना, यही बोला ना मैंने। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कुक नहीं है 2 दिन से, इसीलिए थोड़ा सा खाने में दिक्कत है। बाकी बात ट्रेनिंग को लेके और हॉस्टल को लेके कोई चीज़ नहीं है, घर जैसा माहौल है, पूरा हरा भरा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। ग्राउंड एक बार दिखा दे, पीछे घुमा के दिखा दो, इधर इधर आपको बता दें लोकेलिटी में इधर ऐसा ग्राउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, पटना तक तो नहीं मिलेगा भाई। बाकी बात उधर का मैं तो कभी गया नहीं हूँ। ठीक है, और बात ट्रेनिंग सही चल रही है, किसी को कोई दिक्कत भाई? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप मेरे यूट्यूब से जुड़ के, ठीक है, आप अपनी तैयारी 1600 मीटर रेस की, क्योंकि मैं प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर दोस्तों आपको मैं शेड्यूल देते रहता हूँ कि आप इस तरह तैयारी करें, इस तरह दौड़े, क्योंकि अपन क्या चैनल कुछ और है भाई, मुजरा नहीं कराते, एक बात ध्यान सुन लेना। ठीक है, ग्राउंड मुजरा के लिए नहीं बना, अभी क्या है बहुत सारा ग्राउंड में बॉक्स लगा देंगे, ठीक है, और डांस कराना चालू करेंगे, तो ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड की इज्जत किया करो, ग्राउंड मुजरा के लिए नहीं है, ग्राउंड एक्सरसाइज के लिए, ग्राउंड रनिंग के लिए है। ठीक है, तो हमारा जो चैनल आप देखोगे तो सिर्फ एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी, डाइट की वीडियो मिलेगी, मतलब फिटनेस रिलेटेड, रनिंग के रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, ना तो कोई मुजरा मिलेगा, ना तो दूसरे टाइप का ब्लॉग मिलेगा। ठीक है, एक दो वीडियो का कुछ नहीं कर सकते, एक दो वीडियो में तो भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना भी चाहिए। मैं इनको भी कराता हूँ कभी कभार, मान लो जैसे कि किसी का बर्थडे हो गया तो वहाँ भी अपना भी डांस होता है, लेकिन अब रोज रोज वही चीज़ नहीं होता, रोज रोज होता है यहाँ पर ट्रेनिंग। और दूसरा बोलते हैं ना, फोन आता है कि सर गारंटी क्या है ना मेरे भाई। ठीक है, जो वीडियो से रेस बना सकता है, रेस अपना निकाल सकता है, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ गारंटी है, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, फिजिकल गारंटी, लेकिन सवाल यहाँ 3 महीना तो कम से कम मेरे को देना पड़ेगा। तुम आओगे 1 महीना में, 1.5 महीना में बोलोगे सर रेस बना दो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और मेरे भाई मैं यही बोलूंगा, किसी भी एकेडमी में जाओ, फोन आता है कि सर मैं वहां पर एकेडमी में गया था, मेरे को बहुत पीटा गया, बोला कि आप शिवा सर के चेले हैं, ऐसा वैसा है, तो भाई किसी भी एकेडमी में जाओ, पहले बोलो कि भाई मैं देखूंगा, क्लियर बात है। ठीक है, मैं ट्रेनिंग देखूंगा, मैं खाना देखूंगा, हो सके मेरे को सुविधा लगे, कंफर्टेबल लगे, तो ही मैं एडमिशन कराऊंगा। ठीक है, अगर किसी में कमी होगी तो 1-2 दिन में पता कर लेगा एकेडमी में कमी है, भैया नहीं मन लग रहा, मान लो अगर कोई मांगता भी है छोटा मोटा 400-200 रुपये तो उसको दे दिया करो, तुम्हारा 7,000-10,000 रुपये तो बच जाएगा ना, जो मेहनत से पैसे लेके आया हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी एकेडमी जाने से पहले अपना ये ध्यान रखना कि अपना आराम से उसको डेमो ले लो, दौड़ लो, धूप लो, उसका ट्रेनिंग देख लो, 2 चीज़ देख लो, उसका ग्राउंड, ट्रेनिंग और खाना, बस 3 चीज़ देख लो, उसके बाद वो कहीं भी रख ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलो भारत माता के, चल काट दो भैया।